अगली बार जब आप अम्यूजमेंट पार्क जाएं ना, तो वहां की चमचमाती लाइट, लाउड म्यूजिक और चटक रंग देखकर धोखा मत खा जाइएगा, क्योंकि ये आपको वहां पर हो रही रेडिकुलस चीजों से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है। तो आज हम अम्यूजमेंट पार्क के सबसे रेडिकुलस मोमेंट के सामने से पर्दा उठाने जा रहे हैं। जानवरों के अजीब एनकाउंटर, बम्पर कार्ड बैटल रॉयल, डरावनी राइड्स और क्रेजी राइडर्स। आइए देखते हैं अम्यूजमेंट पार्क के रेडिकुलस मोमेंट जो कि कैमरा में कैद हो गए। अम्यूजमेंट पार्क को मजे करने की जगह समझा जाता है, लेकिन बहुत बार ऐसे मौके होते हैं जहां पर लोगों को राइड करने के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है, और फिर जब वो आगे पहुंचते हैं तब तक डर उनके भीतर भर जाता है। जब आपके सामने बड़ा सा रोलर कोस्टर या फिर बड़ी सी वाटर स्लाइड आ जाए तो बहादुर बनो बस सुनने में अच्छा लगता है, असल हालात तो आप ही जानते हैं। और कई बार हम में से कई लोगों को बस थोड़े से पुश की जरूरत होती है। ये वाटर स्लाइड अटेंडेंट है मुस्तफा सलाह, ये एक्वा पार्क कायरो में काम करते हैं और साथ ही ये लाइफगार्ड और जिमनास्ट भी हैं। ये 2022 में वायरल हो गए क्योंकि बच्चों को धकेलना इनका अलग ही तरीका था। ये ऊपर ही खड़े रहते थे और बच्चों को ट्यूब में बिठाकर नीचे धकेलते थे। ये कहा जाता है कि मुस्तफा सुबह से लेकर शाम तक बच्चों के साथ परेशान हो जाते होंगे, इसलिए अपने नन्हे मेहमानों को चीखते हुए नीचे धकेलने में इनको मजा आता होगा। लेकिन दिखाई पड़ता है कि इसमें मजा जुड़ा हुआ है। मुस्तफा एक्सप्रेस की 2 टिकट खरीदना चाहूंगा मैं, प्लीज। आगे बढ़ते हैं और भी मजेदार वाटर स्लाइड की तरफ। यहाँ पर कुछ है जो कि मुस्तफा वालों से भी ज्यादा अमेजिंग है। अब ऑरलैंडो के एक्वेटिक के ब्रेकवे फॉल्स को ही देख लीजिए। ये एक बड़ी वाटर स्लाइड है जो कि 80 फीट बड़ी है और इसके ऊपर ट्रैप डोर है। स्लाइड पर नॉर्मली नीचे आने के बजाय राइडर बस सी थ्रू ट्यूब से ही नीचे देखते रहते हैं और तैयारी करते हैं कि कब अटेंडेंट पुश बटन दबाए और उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाए। इस पॉइंट पर राइडर एक फ्री फॉल की तरह गिरता है जिसकी स्पीड होती है 24 फीट पर सेकंड, और फिर वो पहुंच जाता है वर्टिकल ट्यूब में जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ता है। सच कहूं तो मुझे लगता है मेरे बस की बात तो नहीं है, क्या आप इसे राइड करेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं और क्यों ना लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दें जिससे कि वाव फैक्ट का कंटेंट मिस ना हो। अब अगर आपने अपने हाथ राइड में घुसा ही लिए हैं तो क्यों ना आगे बढ़ जाएं। एड्रेनालाइन जंकीज के लिए ब्रेकवे फॉल्स जैसी राइड बहुत मस्त होती है, लेकिन कुछ खतरों के खिलाड़ियों को और ज्यादा अनएक्सपेक्टेड जगहों पर जाना पसंद होता है, और ऐसा करके अम्यूजमेंट पार्क की सबसे धीमी राइड को भी मस्त एक्सपीरियंस बना देते हैं। टीकप में बवंडर की बात कीजिए। टीकप राइड ज्यादातर छोटे बच्चों के साथ वाले परिवार के लिए बनाई जाती है, लेकिन कुछ लोगों को अपनी चाय में ज्यादा कैफीन पसंद होती है, इसीलिए वो अपने टीकप के बीच के व्हील को जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से घुमाते हैं। ये टी पार्टी बड़ी मजेदार लग रही है ना, लेकिन कई बार अपना कंट्रोल लूज करने के कारण कॉन्सिक्वेंसेस बड़े भयानक हो सकते हैं। जैसे इन बच्चों ने अपने टीकप को तेजी से घुमाया, वैसे इनकी बतख की थीम वाली कार्ट पॉन्ड से बाहर निकल गई और राइड प्लेटफॉर्म से नीचे जा गिरी। बड़ी दुख की बात है कि इसकी बैकग्राउंड स्टोरी हमें नहीं मालूम, तो इसीलिए हमें यह भी नहीं मालूम कि बच्चों को राइड तोड़ने के लिए पार्क से बाहर निकाला गया या फिर नहीं। लेकिन अगर इन्हें बहुत दिक्कत हुई भी होगी तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी भाई, इन स्पिनर्स ने टीकप्स में बहुत ही क्रेजी चीजें कर ली। लेकिन सिर्फ यही नहीं है जिन्हें अपनी लिमिट्स पुश करने में मजा आता है। इस यंग पायलट ने ब्लैक पूल के प्लेजर बीच में अपने स्पिन को कंट्रोल खो दिया। ऐसा लगता है कि इसे इस दिन को बुरा कह देना चाहिए, लेकिन
एड एरो स्काई फोर्स राइड आपको मैन्युअली एयरप्लेन के पंख मूव करने की इजाजत देते हैं, जिससे कि आप आराम से व्हीकल की स्पीड को कंट्रोल कर सकें। और इन बच्चों की स्पिन एकदम इंटेंशनली की गई थी, जहां ज्यादातर लोग इस फीचर का यूज अपने प्लेन को एक्स्ट्रा ट्विस्ट देने के लिए करते हैं। वहीं इस टीनेजर ने कभी भी ना खत्म होने वाले बैरल रोल में खुद को डालना मैनेज कर ही लिया और ये लगातार तेज स्पीड में घूमता रहा। वहीं इसके दोस्त इसे देखकर हैरान परेशान हो गए और हंसते हंसते सबके पेट दुखने लगे। जिस तरीके से इस टीनेजर ने अपनी राइड को घुमाया वो बहुत ही मजेदार था, लेकिन अगले पॉइंट जाकर देखें तो उसके आगे ये नया पायलट कुछ भी नहीं है। ये पागल कर देने वाली फुटेज टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल शिल शॉक की है। मिनेसोटा के एक अमेरिकी मॉल की राइड। ज्यादातर लोग मॉल में कपड़े खरीदने, जंक फूड खाने जाते हैं, लेकिन जब टेरा नाम की रोलर कोस्टर की दीवानी M&A में आ गई तो वहां स्पिन करने गई थी। टेरा टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल शिल शॉक राइड में बीते 15 साल से जा रही है और इसके लिए उसने हर हफ्ते यहाँ आने के लिए 1 साल भर का पास भी बनवा रखा है। टर्टल को अपने स्पीड के लिए नहीं जाना जाता है, लेकिन इतने सालों के एक्सपीरियंस के कारण टेरा जानती है कि इस राइड के मजे कैसे ले जाते हैं। टेरा के लिए स्पिन करना जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है और ये सेल्फ अपॉइंटेड क्लीन शेल स्पिनर है और ये जितनी बार भी जाती है हर बार एक स्पिन को काउंट करती है और हर महीने के लास्ट में इन्हें टोटल काउंट भी करती है। निंजा टर्टल ट्रेडिशन के लिए टेरा की लॉयल्टी वाकई में गजब की है, लेकिन अगले अम्यूजमेंट पार्क की एक्टिविटी कई सौ साल पुराने ट्रेडिशन को श्रद्धांजलि देती है। इस नए फेयर ग्राउंड मोमेंट को एक्सप्लोर करने के लिए हमें 2013 AD में जाना होगा। हम देखते हैं कि कैसे ब्लड स्टॉक नाम के एक बड़े फेस्टिवल में राम अलोट पहुंच गया और वहां फेमस लड़ाई हुई। तलवार, भाले और कवच के साथ इस युद्ध में सब कुछ जो था एक मेडिवल बैटल में होना चाहिए था, लेकिन मिडिल एजेस में जैसी लड़ाइयां होती थी उससे ठीक उल्टा ये झगड़ा कैमरा में कैद हो गया। ये डरावनी युद्ध की वीडियो 2013 में रिकॉर्ड की गई थी। जब ब्लड स्टॉक में बैटल ऑफ द नेशन आई, ये एक मेडिवल बैटल चैंपियनशिप है जो कि हिस्टोरिकल कन्फ्लिक्ट का रीएनैक्टमेंट करती है। ग्रुप की लड़ाइयां बहुत ही ऑथेंटिक होती हैं, लेकिन इस केस में इन्होंने असलियत से दूर रहने का फैसला किया और फेस्टिवल की बम्पर कार्ड पर लड़ाई की। जैसे ही सैनिक नोबल स्टडीज पर बैठे वैसे लड़ाई शुरू हो गई और हथियार चलने लगे और बेशक कार्ड्स आपस में टकराने लगी। लड़ाई के 5 लंबे मिनट के बाद ये युद्ध हाथ से निकलता जा रहा था, इसीलिए फेयरग्राउंड वर्कर ने कार्ड्स की पावर कट कर दी और कहा कि उनकी अलॉटेड टाइम खत्म हो चुकी है। दोनों ही साइड से डिसाइड नहीं हो पाया कि कौन जीता, इसीलिए उन्होंने इसे ड्रॉ समझा और फिर ये ओल्ड फूड ट्रक से हॉट डॉग्स और स्लर्पी की दावत का मजा लेने चले गए। यार जंग वाकई में जहन्नुम है। मेडिवल फेस्ट से अब आगे चलते हैं दूसरे फेयर ग्राउंड फाइट की तरफ। अब देखते हैं एक आदमी और बीस्ट के बीच की लड़ाई। यही तो है जिसे मैं एकदम सही फेशियल एक्सप्रेशन कहता हूँ। यहाँ ढेरों मकड़ियां और सांप लड़ाई करने के लिए खड़े हुए हैं और इनसे लड़ाई तब होगी जब ऑस्ट्रेलिया में घूम रहे होंगे। ये वीडियो वहीं का है। आप इस देश की वाइल्ड लाइफ से कभी बच नहीं सकते और इसमें चिड़ियां भी शामिल हैं। 2019 में ये 10 साल की लड़की जिसका नाम पेज है, उसने इस बात को बड़ी मुश्किल से जाना, क्योंकि जब वो क्वींसलैंड के वार्नर ब्रोस मूवी वर्ल्ड में DC हाइपर कोस्टर पर सैर कर रही थी, उस वक्त इन पर डाइव बॉम्बिंग आइसबिस ने अटैक कर दिया। जैसे कि राइड कम डरावनी थी, ये भी सहना पड़ गया भाई। इस एनकाउंटर के कारण पेज सदमे में चली गई थी, लेकिन DC हाइपर कोस्टर की टॉप स्पीड होती है 71 मील प्रति घंटे, मतलब कि आइबिस के कारण इनको बहुत जोर की चोट लगी होगी और ये कहना गलत नहीं होगा कि चिड़िया ने भी अपना पंख खो दिया होगा। पेज ने आइबिस से तो जंग जीत ली, लेकिन दुख की बात है कि इंसान और जानवर के बीच की जंग यहाँ पर खत्म नहीं होती है और अगली लड़ाई है स्पेन के फरारी लैंड की। फरारी लैंड स्पेन का एक अम्यूजमेंट पार्क है जिसके आसपास फरारी की आइकॉनिक कार हैं, लेकिन मालूम पड़ता है कि सभी राइड कन्वर्टिबल्स हैं, जिसके कारण ये चिड़िया इस बेचारे राइडर के मुंह के पास आ गई। ऑस्ट्रेलिया के पेज बर्ड डिजास्टर के साथ ही ऐसे एक्सीडेंट्स राइड्स को और ज्यादा थ्रिलिंग बना देते हैं, लेकिन कोई चीज मुझसे कहती है कि अगर ये अगला राइडर अम्यूजमेंट पार्क में सोया ना होता तो उसने और ज्यादा मजे किए होते। बहुत से लोगों के सोने की अजीब सी आदतें होती हैं। मेरे पापा बिना गर्म चाय पिए नहीं सो सकते, मेरी बहन टेडी बेयर के बिना नहीं सो सकती और मेरा अजीब भाई तो इंसान के बराबर और सेम वेट वाले एनिमे बॉडी पिलो के साथ नहीं सो सकता।
सभी के अपने स्लीपिंग रिचुअल होते हैं और ताज्जुब की बात यह है कि इन खतरों के खिलाड़ियों की अपनी नींद तब पूरी होती है जब ये जमीन से हजारों फीट ऊपर स्पिन कर रहे होते हैं। बहुत से ऑनलाइन कमेंट इस बात पर डिबेट कर रहे हैं कि हो सकता है राइडर सो गया हो या फिर ये भी हो सकता है कि वो डर के मारे बेहोश हो गया हो। लेकिन अगर वाकई में लड़का राइड के बीच में सो गया है तो इस बात का ये साइन है कि अम्यूजमेंट पार्क को जरा और मजेदार होने की जरूरत है। आप चाहे छोटे शहर के मेले में हो या फिर बड़े से थीम पार्क में, आपको ये बात तो पता ही होती है कि आपका सामना बहुत ही डरावनी राइड से होने वाला है जो कि भीड़ को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। अम्यूजमेंट पार्क की सभी राइड्स में से सबसे फेमस डरावनी है स्लिंगशॉट, एक रिवर्स बंजी जो कि राइडर को दो रस्सियों की मदद से कई फीट ऊपर हवा में उछाल देती है। ये राइड इतनी डरावनी होती है कि बहुत से ऑपरेटर इस पिंजरे में कैमरा लगा देते हैं जिससे कि पैसेंजर पर नजर रखी जा सके और इसके रिजल्ट बड़े कमाल के होते हैं। ये क्लिप आती है 2022 से जब दो टीनेजर्स ने साथ में से राइड करने के बारे में सोचा। जब दोनों इसके टेक ऑफ का इंतजार कर रहे थे तो जेना बहुत डरी हुई नजर आई, लेकिन उनको चिंता करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये राइड असल में बहुत ही रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस साबित हुई जिसने उनको फ्री का ब्लो ड्राई और 30 सेकंड की पावर नैप दे दी। जब स्लिंगशॉट हवा में उछला तो ए भी डर के मारे चिल्लाने लगी, लेकिन जेना ने अपने सपनों की दुनिया में तैरने का फैसला किया और थोड़ी देर के लिए सो गई। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब जेना की बॉडी हवा में उठी और वापस नीचे आई और ऐसा लगातार हुआ तो बहुत ही रैपिड मोमेंटम चेंज हुआ जिसके कारण उनके दिमाग का खून कहीं और पहुंच गया, जिसका मतलब हुआ कि इनका दिमाग थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन के बिना रहा जिसके कारण वो बेहोश हो गई और शायद नीचे की टी कप राइड्स की सेफ्टी के सपने देखने लगी। ये बहुत ही डरावना लग रहा है, लेकिन मेडिकल प्रोफेशनल्स का कहना है कि कुछ पल के लिए बेहोश होना सेफ है। और जब जेना अपनी नींद से जागी तो वो इतना अच्छा फील कर रही थी कि दोबारा इस राइड पर जाना चाहती थी। सोना और फेयर ग्राउंड राइड पर बेहोश होना पुरानी बात हो गई है और साथ ही एम्बैरेसिंग भी, लेकिन कई और लोगों ने अम्यूजमेंट पार्क में इससे भी ज्यादा शर्मनाक इंसिडेंट झेले हैं। ये टिकटॉकर वाटर स्लाइड से नीचे आ रहा था कि तभी इसके बाल कुछ इस तरह के बन गए क्योंकि इसकी विक सर से निकलकर नीचे पानी में तैरने लगी। टिकटॉकर इस इंसिडेंट के बाद खुद पर ही हंसने लगा, लेकिन सिर्फ यही नहीं है जिसने अम्यूजमेंट पार्क में ठाके लगाए। इस बेचारी औरत ने अपनी विग और इज्जत दोनों ही मिशिगन के डेट्रॉइट में स्लाइड से नीचे आते हुए खो दी। इतने सारे लोगों के सामने अपनी विग खो देना बहुत ज्यादा शर्मिंदा करने वाला होता है, लेकिन हर अम्यूजमेंट पार्क इतना क्योटिक नहीं होता है और बहुत सारे अम्यूजमेंट पार्क बहुत ही रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस देते हैं। जापान के बेपू के इस यूइंची अम्यूजमेंट पार्क में सिर्फ वाटर पार्क नहीं है बल्कि ये वाटर पार्क और स्पा दोनों का मिला जुला रिजल्ट है और इसके पास दुनिया भर में मशहूर हॉट टब रोलर कोस्टर भी है। जब लोग इस यूनिक रोलर कोस्टर में बैठते हैं तो एक अटेंडेंट आती है और हर कैरियर्स को गर्म साबुन के स्प्रिंग वाटर से भर देती है जिससे कि राइडर्स को हॉट टब का एक्सपीरियंस हो सके। जब ये ट्रैक पर अपना सफर तय कर रहे होते हैं तो बड़ा रिलैक्स्ड फील करते हैं। रोलर कोस्टर के बाहर भी पूरा का पूरा सा स्पा थीम्ड है जहाँ हीटेड पूल्स और बाकी पानी वाले ऑक्ट्रेशंस हैं। पार्क के यूनिक थीम पार्क की लोकेशन की वजह से है। ये पार्क यूशू में है जो कि जापान का एक आइलैंड है जहाँ पर बड़ा और एक्टिव वोल्केनो माउंट एसो है। ये आइलैंड नेचुरल स्प्रिंग से भरा हुआ है जिनका पानी वोल्केनो के कारण गर्म रहता है और इनमें से ज्यादातर बेपू शहर में ही है। बेपू में 2900 गर्म पानी के फव्वारे हैं और ये पूरे जापान में फेमस है और 2017 में सिटी ने सोचा कि क्यों ना अपने इस स्पेशल फीचर से पैसे बनाए और इस तरह से ये हॉट स्प्रिंग पार्क बन गया। यूइंची पार्क लगभग अपनी सभी राइड में स्प्रिंग वाटर का इस्तेमाल करता है जिसके कारण से दुनिया का पहला स्पा अम्यूजमेंट पार्क बन गया है, लेकिन दुख की बात है कि जापान का हर अम्यूजमेंट पार्क इतना रिलैक्सिंग नहीं है।
ये हिलाकर रख देने वाली वीडियो जापान के टोक्यो समरलैंड से मिली है, जो कि एक वाटर पार्क है जहां पर आदमी ठोसे हुए हैं। लोग इस पूल में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं और इनकी इन्फ्लेटेबल और कलरफुल फ्लोट्स को देखकर लगता है कि ये जहां तैर रहे हैं वहां के पानी को नहीं देख पा रहे होंगे। दुनिया के कई कोनों में इस तरह के लहर वाले पूल बहुत ही फेमस हैं, तो इसीलिए इस तरह की भीड़ सिर्फ टोक्यो समरलैंड में नहीं है। ये वीडियो है चाइना के वाटर पार्क का, जहां पर स्विमर्स की एक दीवार देखी जा सकती है और सभी बेसब्री से लहर का इंतजार कर रहे हैं। सच कहूँ तो इनमें से बहुत सारे कई वाकई में मजे कर रहे होंगे, लेकिन मैं तो यही सोच रहा हूँ कि पानी के भीतर ऐसी फीलिंग कैसी लगती होगी और जब दूसरे के पैरों और रबर फ्लोट से टकराना पड़ता होगा तो कैसा लगता होगा। मुझे तो लगता है कि मेरे जैसा आदमी तो बस छोटी सी लेक पर ही खुशियां मनाना पसंद करेगा मेरे भाई, है ना। अच्छी बात है कि यूएसए के सेफ्टी रेगुलेशंस के कारण आप कभी भी वहां पर ऐसे ओवर क्राउडेड पूल नहीं देख पाएंगे, लेकिन ये रूल्स हमेशा अच्छे से फॉलो नहीं होते हैं। और दुनिया भर का एक समय का सबसे खतरनाक वाटर पार्क अमेरिका ही था, जिसका नाम था गार्डन स्टेट। ये न्यू जर्सी में था। मुझे आपको 1970s में ले जाने का मौका दीजिए। फ्लेयर्स, डिस्को और एक्शन पार्क का समय। उस समय ये वाटर पार्क था जो कि अपनी मौत से खेलने वाली राइड्स के लिए जाना जाता था और इसमें बहुत से हेल्थ और सेफ्टी वायलेशंस हुआ करते थे। एक्शन पार्क अमेरिका का सबसे पहला वाटर पार्क था, तो इसीलिए इन्हें अपनी राइड्स को शुरुआत से बनाने की जरूरत थी। इसके कारण बहुत से एक्सपेरिमेंटल अट्रैक्शंस बनाए गए, जैसे कि भूसे की भूल भुलैया, जहां पर असली के सांप हमेशा भूले बिसरे आ जाया करते थे। एक 60 मील प्रति घंटे की एल्पाइन स्लाइड जो कि कॉन्क्रीट से बनाई गई थी, और कैनन बॉल लूप, दुनिया का पहला वाटर स्लाइड जिसके नीचे तक लूप था। एक्शन पार्क के मालिक यूजीन मुलवहील अपनी स्लाइड्स को बाकियों से हटकर और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देना चाहते थे, लेकिन ये अट्रैक्शन जब 1983 में खुला तो मालूम हुआ कि ज्यादातर लोग इतनी स्पीड नहीं बना पाते हैं पूरे लूप में आ पाए, और वो बस आधे तक पहुंच पाते हैं, जिसके बाद नीचे के प्लास्टिक में गिर जाते हैं। जल्दी बच्चे चोट लगकर निकलने लगे, दांत टूटना, गायब हो जाना नॉर्मल हो गया, और एक दिन बच्चे कट्स और ज्यादा चोटों के साथ बाहर आए। ये बात नहीं मालूम पड़ रही थी कि आखिर चोट लग किस कारण रही है, तो इसीलिए एक एम्प्लॉय ट्यूब के अंदर घुसा और ढूंढने लगा। उसने पाया कि प्लास्टिक की स्लाइड में कई टूटे हुए दांत पड़े हैं, जिसके कारण ये सफेद मोती स्लाइड करने वाले लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चौंकाने वाली बात ये नहीं है कि जल्द ही केनबॉल लूप को पार्क से हटाया गया, लेकिन ये राइड तो यूजीन मुलवहील की बहुत सी राइड्स में से बस एक थी, और पार्क की प्रॉपर प्लानिंग और केयर ना होने के कारण बहुत सारी चोटें लगती थी। 70s, 80s, 90s में 6 मौतें हुई, लेकिन इसके कारण मेहमान आने बंद नहीं हुए और लोग भी इन खतरों के खिलाड़ी वाले क्लास एक्शन पार्क में राइड करने के लिए न्यू जर्सी आते। ये सिलसिला 1996 तक चलता रहा और फिर पार्क कई पर्सनल इंजरीज के बाद बंद हो गया। इस केस में मुलवहील के सारे पैसे खत्म हो गए और वो बैंकक्रप्ट हो गया। आज एक मॉडर्न सेफ पार्क जिसका नाम है माउंटेन क्रीक उसी जगह पर बना हुआ है। ओरिजिनल एक्शन पार्क अब बस एक बुरी याद के सवा कुछ नहीं है, और आज भी न्यू जर्सी के पुराने लोग अपने उन भरे हुए जख्मों को देखते हैं जो उन्हें उस पार्क ने दिए थे, जिनके निशान अभी भी नहीं रह गए, और अपने बच्चों से कहते हैं कि वो भी एक जमाना था जब वाटर पार्क की एक राइड की कीमत आपको अपनी जिंदगी देकर चुकानी पड़ती थी। जब हम एक्शन पार्क में हुए पागल कर देने वाले इवेंट्स के बारे में सुनते हैं तो लगता है कि आज के जमाने में तो इतना खतरनाक पार्क हो ही नहीं सकता, लेकिन आज भी कुछ लोकल फेयर ग्राउंड के मालिक यूजीन मुलवहील जितने ही लापरवाह हैं। मुझे आपके बारे में नहीं पता, लेकिन जब मैं छोटा था अपने जूते के लेस भी नहीं बांध पाता था। बट इसे फेयर ग्राउंड राइड को ऑपरेट करने के बारे में तो भूल ही जाइए, और इसी का रिजल्ट है कि जब टिकटॉकर एना किंग इस बड़े मौत के कुएं वाले अट्रैक्शन के पास गई तो देखकर चौंक गई थी कि ये चीज एक बच्चा ऑपरेट कर रहा है। ये बात नहीं पता है कि एना फिर भी उस राइड पर गई या नहीं, लेकिन मैं जानता हूं मैं होता तो बिल्कुल भी नहीं जाता। मुझे पागल कहिए, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप फेयर ग्राउंड राइड को ऑपरेट करना चाहते हैं तो आपको इसमें सफर करने जितना बड़ा होना पड़ेगा। मुझे लगता है हम सभी इस बात से सहमत होंगे कि फेयर ग्राउंड राइड पर एक बच्चे को ऑपरेट करने देना बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हो सकता है, लेकिन फिर भी कुछ बड़े अम्यूजमेंट पार्क वर्कर्स भी प्रूव कर देते हैं कि एडल्ट्स भी बच्चों जितने लापरवाह हो सकते हैं। अब मैं मिकी माउस को कोई इरिस्पॉन्सिबल पेट ओनर नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन एक कुत्ता जो कि इतना ज्यादा गुस्सैल है कि उसे बांध कर ही रखना चाहिए,
ये क्रेजी वीडियो आती है 2007 से, जब डिज्नी वर्ल्ड में प्लूटो मैस्कॉट एक बच्चे के पीछे दौड़ने लगा और वहां खड़े सभी लोग ये देखकर चौंके। मालूम पड़ता कि बच्चा मैस्कॉट के साथ छेड़खानी कर रहा था, उसकी पूंछ खींच रहा था। इसी कारण उस बच्चे को सबक सिखाने के लिए मैस्कॉट को उसके पीछे भागना पड़ा। प्लूटो को भी समझने वाले लोग चाहिए भाई, ये जो बात समझ सकें कि इस तरह से बच्चों के साथ डील करना बहुत ही इरिटेटिंग हो सकता है। लेकिन यार, इस तरह से डिज्नी वर्ल्ड में बच्चों पर अटैक करना भी तो सही नहीं है। और मालूम पड़ता कि मैस्कॉट में इस हादसे के तुरंत बाद नौकरी छोड़ दी गई। एक्टर के डिफेंस में यही कहना चाहूंगा कि डिज्नी वर्ल्ड का एम रहता है कि बच्चों की ऐसी यादें जाएं जो कि उनके साथ हमेशा रहें। और मैं दावे से कह सकता हूं कि वो बच्चा जिंदगी भर उस हादसे के लिए थेरेपिस्ट के पास जाता रहा होगा। लेकिन मेहमानों के लिए कभी कभार चाहे डिज्नीलैंड की विजिट करनी कितनी खराब क्यों ना हो, पार्क का स्टाफ इसे भी खराब हो सकता है और एम्प्लॉय को बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट्स फेस करने पड़ते हैं। डिज्नी वर्ल्ड खुद को धरती की सबसे जादुई जगह कहकर बुलाता है, लेकिन दुख की बात है कि 2008 में डिज्नी वर्ल्ड के कुछ फैंस को ये बात बहुत ही परेशानियों के बाद मालूम पड़ी कि असल में जादू होता नहीं। उस समय माइक वजावोस्की के कॉस्ट्यूम में एक एम्प्लॉय खुद के पैर में फंसकर गिर गया। ये इंसिडेंट एक्टर के लिए बहुत ही एम्बेरसिंग था, लेकिन ऐसे एक्सीडेंट होते रहते हैं और मैं आशा करता हूँ कि डिज्नी ने उसे और मौके दिए होंगे। अब ये देखते हुए कि ये दोनों वीडियो में 5 साल का अंतर है, ये कहना गलत नहीं होगा कि अलग अलग एक्टर्स ने माइक का रोल प्ले किया होगा, लेकिन हमें ये समझना होगा कि एक आंख वाला कॉस्ट्यूम पहनना डिज्नी स्टाफ के सभी कॉस्ट्यूम में सबसे ज्यादा कठिन होगा। आखिर में उसे कोई बड़ी चोट नहीं आई, जैसे कि मोच आना या सिर खो देना। अरे यार, ये और बढ़िया हो सकता था। अच्छी बात है कि कॉस्ट्यूम वाला एक्टर ठीक था, लेकिन मैं जानता हूं कि इन गलतियों के लिए उसके बॉस ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई होगी। लेकिन ऊपर वाले मेहमानों के अलावा ज्यादातर की थीम पार्क विजिट बहुत ही मजेदार होती है। पहली नजर में यह ग्रेविटी को हरा कर रख देने वाला इंसान दुनिया का सबसे अच्छी ड्रेस पहनने वाला सुपर हीरो लग सकता है, लेकिन इसके दीवार पर चलने वाली सुपर पावर का पूरा क्रेडिट यूनिक फेयरग्राउंड राइड को जाता है, जिसका नाम है द ग्रेविट्रॉन। यह अट्रैक्शन एक बड़ा सा खोखला सिलेंडर है जो कि राइडर के अंदर खड़े होने पर बहुत जोर जोर से घूमने लगता है। जब यह घूमता है तो अंदर के लोग एक तरह की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि मोजे वॉशिंग मशीन में करते हैं, जो कि राइडर को सिलेंडर की दीवार की तरफ पुश करता है, जिसके कारण वो अपने पैर जमीन से उठा सकते हैं और कुछ पल के लिए तैर भी सकते हैं। जहां ज्यादातर राइडर बस लेट कर राइड करना चाहते हैं, वहीं कुछ लोग हैं जो कि हमेशा ग्रेविट्रॉन में राइड करते हैं। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करना जानते हैं, जैसे कि ग्रेविटी को हरा देते हैं और सीधा खड़े हो जाते हैं और जी फोर्स के कारण एक जगह में लॉक हो जाते हैं। जाहिर इस ट्रिक में माहिर होने के लिए बहुत ही पेशेंस और प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और जो लोग ग्रेविट्रॉन में अपने अंदर के सुपर हीरो को ढूंढ निकालते हैं वो ज्यादातर बेवकूफ दिखते हैं, खास करके जब इन्हें बाहर से देखा जाए। जरा ये देखिए, ये अनलकी राइडर सऊदी अरेबिया के सफोरी लैंड में ग्रेविट्रॉन में राइड कर रहे थे। ये स्पाइडरमैन की तरह ही सिलेंडर में चढ़ गए, लेकिन फिर जाल में फंस गए क्योंकि जी फोर्स ने उन्हें दीवार में पुश कर दिया। बात कर रहे हैं ऊंची जगहों पर फंस जाने की, तो दूसरे लोगों ने अम्यूजमेंट पार्क में हाथ में पसीना ला देने वाले एक्सपीरियंसेस फेस किए हैं। में अनीता व्हीलर 235 फीट लंबी सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए मजबूर हो गई, क्योंकि वो यूके के ब्लैकपूल के ब्लेजर बीच पर बड़े वाले में फंस गई थी। रेयर ओकेशंस में तेज हवाओं के कारण ये बड़ी राइड रुक जाती थी, फिर एक अटेंडेंट सीढ़ियां चढ़कर राइडर को वापस सही सलामत नीचे लेकर आता था। लेकिन कुछ छोटे फेयरग्राउंड थोड़े लापरवाह होते हैं। 2014 के नवंबर में ये बच्चे बहुत ही डरावने एक्सपीरियंसेस से गुजरे, क्योंकि टेलाहैसी में इनका रोलर कोस्टर कैरेज आधे में रुक गया, और दुख की बात यह है कि इनके पास तो नीचे आने के लिए सीढ़ियां भी नहीं थी, तो इसीलिए अटेंडेंट को अपने हाथों से ही कैरिज को पुश करना पड़ा और आखिर तक पहुंचाना पड़ा। वाह यार, इन बच्चों के लिए रोलर कोस्टर में फंस जाना बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा होगा, लेकिन अच्छी बात है कि कई मेहमान अम्यूजमेंट पार्क में बहुत अच्छा समय बिता कर आते हैं। हर अच्छे अम्यूजमेंट पार्क में एक आर्केड तो होता ही है, और हर अच्छे आर्केड में डांस रेवोल्यूशन की रिदम की कॉपी होती है।
जब मैं DDR में कूदता हूँ तो पियक्कड़ पापा की तरह बस दोस्त अभी घर पाता हूँ। लेकिन 2016 में रेयानॉक्स नाम का एक आदमी इस लड़के के साथ वर्जीनिया बीच आर्केड में गेम खेलते हुए देखा गया। इस आदमी के DDR मूव तो गजब के हैं, ये तो दो प्लेयर का गेम अकेले खेल सकता है और वो भी हर नोट एकदम परफेक्ट। इस तरह की गजब की स्किल्स के साथ डांस रेवोल्यूशन आ जाता है। मैं चाहता हूँ कि आदमी हमारा नेता बने भाई। हर अम्यूजमेंट पार्क का बंद होने का समय होता है और मालूम पड़ता है कि हमारा भी घर जाने का समय आ गया है। तो यहीं अपना अम्यूजमेंट पार्क का सफर खत्म होता है। क्या आपने कभी मजेदार, डरावना या फिर रेडिकुलस मोमेंट अम्यूजमेंट पार्क में फेस किया है? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताओ। देखने के लिए शुक्रिया।